हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा था, फाइबर टू फैब्रिक। सो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 को कवर किया था और आज हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3.4। डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन टू रियर शीप्स एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। तो आप अपनी क्लासमेट्स से डिबेट करिए और उनसे डिस्कस करिए क्या ह्यूमन को शीप्स भेड़ पालन करना चाहिए और उनके जो हेयर्स हैं उनको कट करना चाहिए फॉर गेटिंग वूल के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 3.2 सिल्क। सिल्क क्या है? सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर क्या है? एक एनिमल फाइबर है। जैसे कि आपका वूल एक एनिमल फाइबर है, सेम सिल्क भी आपका क्या है? एक एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। सिल्क वॉर्म से हम क्या प्राप्त करते हैं? सिल्क फाइबर को। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो द सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क वॉर्म को पालना और उनसे सिल्क प्राप्त करना ही क्या कहलाता है आपका? सेरी कल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर्स आंट ग्रैंड मदर्स द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। तो आप फाइंड करने की कोशिश करिए जो आपकी मदर आंट या ग्रैंड मदर जो भी किस तरह का सिल्क वो पहनती हैं, सिल्क किस तरह की सिल्क की साड़ी वो पहनती हैं, तो उसकी लिस्ट आपको बनानी है। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. So before we discuss करने से पहले हम the process of obtaining silk, हम क्या समझेंगे कि सिल्क को कैसे प्राप्त किया जाता है, and it is necessary to know the interesting life, और हम जानेंगे कि इनकी life history कितनी interesting होती है silk moth की। तो life history of silk moth, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अपने क्या करती है? एग्स को ले करती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। तो जो एग से जो लार्वे निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। दे ग्रो इन साइज एंड वैन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो जब ये कैटरपिलर क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं साइज में, और जब उनकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जब वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं तो उनकी जो लाइफ हिस्ट्री जो उनको हम क्या नाम देते हैं? प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट्सेल्फ। ये क्या करते हैं अपने? इट फर्स्ट वीव्स अ नेट, अपने जैसे मकड़ी जो होती है ना वो जाला बुनती है, तो सेम इसी तरह से अपने चारों ओर क्या करते हैं? जाला बनाते हैं। देन इट स्विग्स इट हैड्स फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ एट। फिर अपना ये हेड जो है ना एट की शेप में क्या करते हैं? टर्न करते हैं। देन इट स्विग्स इट्स हैड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ एट। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट ऑफ द हैड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ मीन्स। जब ये क्या आपका सिल्क जब एट की उसमें टर्न करता है तो ड्यूरिंग दीज मूवमेंट, जब इनमें ये मूवमेंट होता है, इनके हेड में ये मूवमेंट होता है, तो जो कैटरपिलर है वो क्या करता है? सीक्रेट्स करता है फाइबर्स मेड ऑफ अ प्रोटीन। तो जो वो फाइबर्स को सीक्रेट करता है वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन। सो फर्स्ट हम पहले इनकी कुछ फिगर दिए हुए गए हैं, इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपका मेल सिल्क है और ये आपकी फीमेल है, एडल्ट सिल्क मॉथ। क्लियर। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एग्स ऑन मलबरी, एग्स को हैच किया, देन इसके बाद ये सिल्क वॉर्म है आपका। क्लियर। और फिर ये क्या करेंगे? अपने चारों ओर नेट बोन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये एट के फॉर्म में टर्न मूवमेंट करते हैं और एक अपने अंदर से एक प्रोटीन को क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं। और जैसे जैसे वो प्रोटीन जो है ना एयर के कॉन्टैक्ट में आती है तो इनके चारों साइड किसका फॉर्मेशन होने लगता है? कोकून। तो फर्स्ट ए स्टेप एंड बी स्टेप, ये आपका सी स्टेप है, एग्स ऑन मलबरी एंड डी सिल्क वॉर्म फॉर्म हो रहा है। देन इसके बाद कोकून का फॉर्मेशन होता है एंड कोकून विद डेवलपिंग मॉथ। तो इसी कोकून के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? कौन डेवलप होता है? सिल्क मॉथ। सो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सो आइए आप कंटिन्यू करते हैं। क्या बताया था मैंने कि प्रोटीन क्या होती है? इनके चारों ओर
एक प्रोटीन फाइबर सीक्रेट होने लगता है जो कि एयर के कॉन्टैक्ट में आने पर किसका फॉर्मेशन करता है, कोकून का. सो प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर द बिकम सिल्क फाइबर. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा. दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून. तो इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, कोकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून. फिर जो प्यूपा का जो डेवलपमेंट अंदर ही होता है किसके, कोकून के अंदर. सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. मीन्स इसका जो, कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न जो है ना कितना स्ट्रांग होता है, आप किससे कंपेयर कर सकते हैं, एक स्टील के थ्रेड से इसको कंपेयर करके देख सकते हैं. द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ. तो सिल्क मॉथ के कोकून से आप क्या प्राप्त करते हैं, सिल्क यार्न को. देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इट इन टेक्सचर. मीन्स ये जो देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ की बहुत सारी वेराइटी होती हैं विच लुक्स वेरी डिफरेंट, जो कि एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट दिखाई देती है, फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर. कोर्स होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है एंड एक्सेट्रा. मीन्स कई टाइप्स के सिल्क होते हैं. दस टसा सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ. तो आप ये जो डिफरेंट टाइप्स के सिल्क के बारे में पढ़ा मैंने, कई सारी वैरायटी यहाँ पे डिस्कस की जैसे कि टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क. तो ये कहाँ से ऑप्टेन होते हैं आपको, कोकून स्पन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ जो कि उसके अंदर सिल्क मॉथ प्रेजेंट होता है. द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ. जो सबसे कॉमन सिल्क मॉथ है वो क्या है आपका, मलबरी सिल्क मॉथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट. तो इसका जो सिल्क फाइबर होता है, सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है एंड इलास्टिक होता है एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर. और इसको आप ब्यूटीफुल कलर में क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं. क्लियर. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. तो अगर हम देखें सेरीकल्चर एंड और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का कल्चर करना है एक काफ़ी पुराना ऑक्यूपेशन है हमारे भारत में. इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. तो जो हमारा भारत है वो काफ़ी मात्रा में सिल्क को प्रोड्यूस करता है. क्लियर. नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 3.5. कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. तो आप डिफरेंट टाइप्स के सिल्क क्लॉथ को कलेक्ट करिए और अपनी स्क्रैप बुक में क्या करिए, उनको पेस्ट करिए. यू कैन फाइंड दैम इन अ टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीस टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क. तो आपको मैंने क्या बताया कि कई सारे सिल्क के पीसेस को कलेक्ट करिए, उनको स्क्रैप बुक में पेस्ट करिए. और ये आप पीसेस कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जो टेलर होते हैं ना वो उनके यहाँ जो उनकी शॉप होती है वहाँ कई सारे पीसेस क्लॉथ के कट होकर के बेकार हो जाते हैं. तो आप उसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क को कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मदर से, अपनी आंट से और टीचर्स की हेल्प से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच टाइप्स ऑफ सिल्क आपने कलेक्ट किया, सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क एक्सेट्रा. कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस. अब आप इसको किससे कंपेयर करिए, जो आर्टिफिशियल सिल्क पीस होता है उससे कंपेयर करके देखिए. विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क. तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स. तो जो आपका आर्टिफिशियल सिल्क होगा वो क्या होगा, आपका एक सिंथेटिक फाइबर होगा. एंड ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मॉथ हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क. तो आप इस तरह से कैटरपिलर जो है ना वो आपको काफ़ी वेरियस टाइप के सिल्क क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है. क्लियर. एक्टिविटी 3.6 क्या है कि टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड. आप एक सिंथेटिक सिल्क का थ्रेड लीजिए और एक प्योर सिल्क का,
बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, इनको केयरफुली आपको क्या करना है, बर्न करना है. डिड यू नोटिस एनी डिफरेंट स्मेल डिफरेंसेज इन द स्मेल वाइल बर्निंग, तो आपको क्या डिफरेंट तरह की स्मेल पता चल रही है दोनों को जब आप बर्न कर रहे हैं. नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, अब आपको एक वुलन फाइबर केयरफुली बर्न करना है. डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, तो क्या इसकी स्मेल जो है ना वो आर्टिफिशियल सिल्क की तरह है, और दैट ऑफ प्योर सिल्क या फिर प्योर सिल्क की तरह. कैन यू एक्सप्लेन बाय टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी. याद रहे कि जब आपका कोकून की जब आपके उसके चारों ओर कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके अंदर सिल्क मॉथ डेवलप होता है, एंड ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो आप इस एक्टिविटी को करके देखिए. एक्टिविटी 3.7, फोटोकॉपी कट आउट पिक्चर्स ऑफ स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. तो आप फोटोकॉपी करिए, किसकी फोटोकॉपी करना है, कट आउट पिक्चर्स ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, जो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री है उनके पिक्चर्स को आपको कट करना है, उसकी फोटोकॉपी करना है, एंड पेस्ट देम ऑन द पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, और उसको आपको पेस्ट करना है कार्डबोर्ड पर और चार्ट पेपर पे. जंबल देम, नॉट ट्राई द अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म. तो आप जब अरेंज करेंगे तो आप अपना देखिए कि आपने क्या सही तरह से उसे अरेंज किया जो उसकी रियल में लाइफ हिस्ट्री होती है, या आपने गलत तरह से उसको अरेंज किया. Whoever does it faster win, जो करेगा वो विनर होगा. You may also describe the life history in your own words, और इसकी लाइफ हिस्ट्री को आप अपने ओन वर्ड्स में लिखिए. Write it down in your scrapbook, और इसको आपको किस में लिखना है, scrapbook में. Clear? आइए अब हम ये पैराग्राफ देख लेते हैं. क्या है, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड सिल्क प्रोडक्शंस. तो हमारी जो इंडिया की वुमेन्स हैं वो काफ़ी इन्वॉल्व होती हैं किसमें, सिल्क प्रोडक्शन में. दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, जिनसे कि क्या बनाया जाता है, इन रॉ सिल्क से किसका फॉर्मेशन किया जाता है, फैब्रिक्स का. बाय अदर एंटरप्राइजेज दे कॉन्ट्रीब्यूट द नेशन इकोनॉमी, जो कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी हेल्पफुल होता है. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन, तो चाइना सिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में टॉप पर है, एंड इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. तो हमारे भारत का नाम भी सिल्क प्रोडक्शन में चाइना के बाद है, टॉप पर आता है, मीन्स हमारे भारत का नाम भी. नेक्स्ट क्या है आपका, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से सिल्क. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि सिल्क को प्राप्त करने के लिए मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स, इनके कोकून्स को कलेक्ट करेंगे टू गेट सिल्क थ्रेड, सिल्क के धागे जिससे आपको मिल सके. रियरिंग सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम. तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एक बार में 100 एग्स को क्या करती है, ले करती है. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स. तो जो इनके एग्स होते हैं उनको केयरफुली हमें एक स्ट्रैप क्लॉथ की स्ट्रिप पर या पेपर की स्ट्रिप पर हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एंड देन इसको सोल्ड कर देते हैं कि इनको सिल्क वर्म फार्मर्स को, जो सिल्क वर्म फार्मर्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशंस, जो फार्मर्स होते हैं एग्स को अंडर हाइजेनिक कंडीशंस में रखते हैं, एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और उनके लिए जितना टेम्परेचर जितनी ह्यूमिडिटी की नीड होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं कौन, फार्मर्स. द एग्स आर वॉर्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर अ लार्वे टू हैच फ्रॉम द एग्स. तो जब इन एग्स से लार्वे निकलते हैं, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. तो ऐसा कब होता है, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स, जब उस पर क्या आते हैं, फ्रेश लीव्स आती हैं. द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर, तो उनको हम क्या बोलेंगे फिर, जो लार्वे निकले उनको क्या बोलेंगे, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज. तो ये सिल्क वॉर्म्स जो है ना ईट डे एंड नाइट इंक्रीज करते हैं
ये लीव्स को खाने के बाद जो लीव्स में जो वहाँ पर ग्रो करते हैं तो उनको क्या करते हैं डे एंड खाते हैं, और फिर डे एंड नाइट क्या करते हैं साइज में इनॉर्मसली ग्रो करते हैं साइज में। ठीक है, जैसे आपका क्या है रियरिंग सिल्क वॉर्म, या ये मलबरी ट्री है, लीफ ऑफ मलबरी, आपका ये फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ विद एग्स है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है मलबरी ट्रीज, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे एग्स ले करेंगे एंड लार्वे कैटरपिलर सिल्क वॉर्म फीडिंग ऑन द मलबरी लीव्स। तो ये क्या करेंगे लार्वे जो है ना कैटरपिलर जो है ना सिल्क वॉर्म या फिर फीड करेंगे मलबरी लीव्स को। देन इसके बाद ये आपका वन लीफ दिखाई गई है लीफ ऑफ मलबरी, एंड देन इसके बाद इसमें किसका फॉर्मेशन होगा कोकून का। क्लियर, नेक्स्ट है आपका द लार्वे आर कैप्ट इन क्लीन बाम्बू ट्रेज अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। तो इनको एक बाम्बू ट्रे में रखा जाता है और साथ में उनके मलबरी लीव्स को रखा जाता है, किनको लार्वे को। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। जब ये 25 to 30 days बाद कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग करना स्टॉप कर देते हैं एंड मूव कर जाते हैं टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू में, एक छोटा सा चैम्बर बनाया जाता है उसमें मूव कर जाते हैं कौन ये कैटरपिलर द ट्रे टू स्पिन कोकून। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच्ड। तो स्मॉल रैक्स और ट्विग्स प्रोवाइड करवाया जाता है ट्रेज में जिससे कि जो कोकून है ना उससे अटैच हो जाए। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून, जो कैटरपिलर और जो सिल्क वॉर्म है स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। तो जो कैटरपिलर जो सिल्क वॉर्म है वो कोकून के अंदर ही क्या करता है डेवलप करता है सिल्क मॉथ बनाता है। और प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो एक कोकून से आप क्या प्राप्त करते हैं सिल्क फाइबर को। द कोकून आर कैप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। तो जो कोकून है उसको कहाँ रखा जाता है अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग द सिल्क। मीन्स अब जब सिल्क फाइबर आपको सेपरेट करना है इससे तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून, तो कोकून के थ्रेड से जो आप जो भी सिल्क ले रहे हैं यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड दी, उसे हम क्या बोलेंगे रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, रीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो एक स्पेशल मशीन से होती है विच अनविंड्स द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। कोकून से आपको क्या मिलता है थ्रेड, सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। सिल्क फाइबर से क्या किया जाता है आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड बनाया जाता है एंड विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। फिर इससे क्या बनाए जाते हैं सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं वीव्स करके। क्लियर, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।